दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित श्री राम कथा अमृत के तीसरे दिन संस्थान के संचालक एवं संस्थापक श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य मानस मर्मज्ञा साध्वी सुश्री जयंती भारती जी ने बताया कि प्रभु राम के जीवन पर आधारित अनेकों ही गौरवशाली ग्रंथ हैं, परंतु श्री रामचरित मानस अपने आप में उल्लेखनीय है। श्री रामचरित मानस के सातों कांड प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर कथा का श्रवण करने विपक्ष दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा, राजेश बागा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, कांग्रेसी नेता विक्रमजीत सिंह चौधरी विशेष तौर पर पहुंचे। कथा की समाप्ति प्रभु की आरती से की गई। कथा को श्रवण करने हेतु उपस्थित भगवत प्रेमी इन आध्यात्मिक रहस्यों को श्रवण कर आश्चर्य से भर उठे। इस अवसर पर हर्ष सौंधी, अमित तलवार, राजीव दुग्गल, खेलचंद, दिनेश शर्मा, जगदीप सिंह, अशोक मल्होत्रा, लखबीर सिंह, ओंकार सिंह टिक्का, अरुण हांडा, रोहित हांडा, राकेश शर्मा, मनोज नन्ना, संजीव शर्मा, रोहित अरोड़ा, हेमंत शर्मा, अमृत गिल, डॉक्टर परीना, मेघना कौशल सहित असंख्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कथा में बढ़ चढ़ कर हाजिरी भरी। जानकी जी ने प्रभु श्री राम जी की छवि को अपने नेत्रों में बसाया, हृदय में बसाया और अपने नेत्र बंद करके वहीं खड़ी हो गई। जानकी की सखियां बड़ी हैरान है, अरे हम इन्हें दर्शनों के लिए लेकर आए हैं और ये नेत्र बंद करके खड़ी हैं। एक सखी ने कहा, अरे जानकी नेत्र खोलो, देखने के लिए तो आंख खोलनी चाहिए ना। लेकिन जानकी जी ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो हमें समझाना चाहती है अगर प्रभु का दर्शन करना है तो इन आंखों की आवश्यकता नहीं है, उनका ध्यान उनका दर्शन करने के लिए तो ये नेत्र मूंदने पड़ते हैं। वो अंतर्घट में जुड़ जाती है प्रभु की छवि के साथ। सखियां उन्हें बार बार बुला रही है लेकिन उन्हें तन की कोई सुधि नहीं, मानो किसी गहन ध्यान में उतर गई हूं। श्री जानकी जी, ये प्रसंग हमें कुछ समझा रहा है ध्यान की परिभाषा। जानकी जी वहां खड़ी है, हालांकि आंखें खोलकर राम जी का दर्शन करना चाहिए लेकिन आंखें मूंद कर दर्शन करके हमें समझा रही है दर्शन कहाँ होगा, हृदय के मंदिर में। आप भी जब प्रभु की प्रतिमा के समक्ष जाते हैं तो आपके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अब जब भी प्रार्थना करना चाहते हैं तब भी आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ये इंडिकेशन है ईश्वर अत्यंत निकट हमारे हृदय के मंदिर में है राम जी, और उनको देखने के लिए ये दो आंखें नहीं चाहिए, ये तो नश्वर संसार के लिए। लेकिन इन दो आंखों से परे, इन दोनों आंखों के मध्य में जहां जिसे दिव्य चक्षु कहा गया, जिसे डिवाइन आई कहा, जिसे शिव नेत्र कहा, कि जिस समय वो खुलता है, भक्त अंतर्मुखी होता है, तब वो ध्यान की परिभाषा को समझ जाता है। ध्यान आजकल जैसे हम मेडिटेशन कहते हैं, जगह जगह ऐसे ध्यान केंद्र खुले हैं, ऐसे योग शिविर खुले हैं जहां पर आज का इंसान अंधाधुंध दौड़े चला जा रहा है मेडिटेशन की प्रक्रिया जानने के लिए। हम क्यों करना चाहते हैं मेडिटेशन? क्योंकि इंसान को लगता है कि मन ही तो है मेरी समस्याओं की जड़, ये मन जो है ये मुझे इतना भटकाता है, इतना भरमाता है, इतना बेचैन रखता है। मैं चाहता हूँ इस बेचैनी से मुक्ति मिले, चिंताओं से मुक्ति मिले, मुझे स्थिरता मिले, मुझे संतोष मिले, मुझे आनंद मिले। ऐसी अवस्था को पाने के लिए हम मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, उनका द्वार खटखटाते हैं और तरह तरह की टेक्निक सीखते हैं ताकि हमारा मन स्टेबल हो सके, स्थिर हो सके और हम शांति का अनुभव कर पाएं।